बात करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से 115 जनपदों की 8702 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक प्रदेश भर में 20% वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग दोपहर 3 बजे तक चलेगी, इसके बाद काउंटिंग होगी। इस चुनाव में पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। पहले चरण में भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। 27,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 1,49,00,000 से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। भिंड के असनेट गांव के मतदान केंद्र पर पथराव हो गया। पोलिंग बूथ 148, 149 पर पथराव हुआ। पथराव में मेहोना थाने में पदस्थ एसआई अमित सिकरवार सिर में पत्थर लगने से घायल हो गए। वहीं लहार थाना इलाके के लवा गांव के मतदान केंद्र 29-30 के बाहर फायरिंग हुई। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा जनपद के पौनार में पंच प्रत्याशी संतोष ठाकुर का बैलेट पेपर में चुनाव चिन्ह बदल गया। चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह हल आवंटित हुआ था, बैलेट पेपर पर बाल्टी छप गया। इसकी शिकायत एडीएम से की गई है।